तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक शापित बस के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और सोन अपनी जली हुई बस को देखने में लगे हुए थे, तभी उन लोगों के पीछे अचानक से जंगली जानवर आकर खड़े हो जाते हैं। इन जंगली जानवरों को देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जंगली जानवर यहाँ पे कैसे आ गए, कहीं ये जंगली जानवर गुल्ली बुल्ली और सोन को मार तो नहीं देंगे। गोरिल्ला के साथ साथ वो जंगली हाथी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। गुल्ली बुल्ली और सोन ये सोचने में लगे हुए थे कि इन जंगली जानवरों से बचा कैसे जाए, तभी अचानक से इन लोगों को एक तेंदुए की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो सचमुच का तेंदुआ है, कहीं ये तेंदुआ गुल्ली बुल्ली और सोन को खा ना जाए। तेंदुए की आवाज सुनते ही वो सारे जंगली जानवर गुल्ली बुल्ली और सोन को छोड़कर भाग जाते हैं। अरे ये तीनों खड़े होकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जल्दी इन लोगों को कहीं छिपना होगा। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों दौड़कर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। बुल्ली उस बड़े से चट्टान के पीछे से झांक कर तेंदुए को देख रहा होता है। अरे ये क्या, सोन और गुल्ली तो दूसरे चट्टान के पीछे छिपे हुए हैं। गुल्ली और सोन भी उस तेंदुए को झांक कर देख रहे हैं कि वो तेंदुआ गया या नहीं। सोन गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, तेंदुआ गया या नहीं? गुल्ली देखता है, अरे ये क्या, यहाँ से तो तेंदुआ गायब हो चुका है, लगता है वो तेंदुआ जंगल के अंदर चला गया। तभी गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन अब डरने की जरूरत नहीं है, वो तेंदुआ यहाँ से चला गया है, अब हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। गुल्ली की ये बातें सुनते ही सोन कहता है, अच्छा हुआ कि वो तेंदुआ यहाँ से खुद से ही चला गया, वरना मैं उसे जान से मार देता। तुम तो मुझे जानते ही हो गुल्ली कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। सोन की ये बातें सुनते ही गुल्ली कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो, अगर वो तेंदुआ यहाँ से नहीं भागता तो उस तेंदुए को तुम ही खा जाते। अरे सोन गुल्ली कहाँ गया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लगता है गुल्ली को ये बात पता नहीं है कि गुल्ली सोन से भी ज्यादा डरपोक है और वो दूसरे चट्टान के पीछे जाकर छिपा हुआ है। अरे ये क्या, ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो बस में चढ़ा था और बस ड्राइवर को दौड़ाते हुए जंगल में ले गया था, कहीं बस ड्राइवर को जंगल के अंदर इसने ही तो नहीं मारा है। बुल्ली इस बूढ़े आदमी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गुल्ली और सोन दौड़ते हुए बुल्ली के पास आ जाते हैं। गुल्ली जैसे ही उस बूढ़े आदमी को देखता है तो गुल्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुल्ली उस बूढ़े आदमी से कहता है, अरे आप कौन हो और आप हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो और आपने हमारे उस ड्राइवर को क्यों मारा, आखिर हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप जो कोई भी है चुपचाप यहाँ से चले जाए और हम लोगों को भी यहाँ से जाने दें। मैं पहले ही आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ, बाद में मुझे मत कहना कि पहले तुमने बताया नहीं। गुल्ली की ये सारी बातें सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, अरे तुम मुझे इन धमकियों से डराना चाहते हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि इस जंगल का राजा मैं हूँ, ये पूरा का पूरा इलाका मेरा है, तुम लोग यहाँ से बचकर जा ही नहीं सकते। मैंने तुम लोगों को पहले ही बस के अंदर कहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी मेरी बात को नहीं माना, अब तुम सब मरोगे यहाँ पे। ये सारी बातें सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है और तुम हम लोगों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो? तभी सोन बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली तुमने वो कहावत सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे लगता है कि ये वही भूत है, इसे भी कुछ खर्चा पानी देना ही पड़ेगा तभी ये मानेगा। सोन की ये बातें सुनते ही वो बूढ़ा आदमी काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है। जोर जोर से हंसने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग और मुझे मारोगे, जरा अपने पीछे मुड़कर देखो। अरे ये क्या, ये तो वही शैडो वाला भूत है जो अचानक से बस के आगे आ गया था, ये फिर से वापस आ गया और गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही बढ़ रहा है। अरे ये क्या, इसने तो गुल्ली को एक जोरदार चाटा मार दिया और गुल्ली जमीन पे गिर गया। अरे ये कैसी आवाज है, अरे ये क्या, ये तो अपना बाबा बाइक से इस तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन बाबा को ये बात कैसे पता चला कि गुल्ली बुल्ली और सोन इसी जगह पे मुसीबत में फंसे हुए हैं? बाबा उस जली हुई बस को देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और बाइक को अचानक से रोक देते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो उस शैडो को देख लिया है और अपनी बाइक को उस शैडो की तरफ ही ले जा रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो अपनी बाइक से उस शैडो को ही ठोक दिया। उस शैडो को जमीन पे गिरा देख उस बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बूढ़ा आदमी बाबा से कहता है, अरे तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये हमारा इलाका है, चुपचाप यहाँ से तुम चले जाओ, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, अगर मेरे बेटे को गुस्सा आ गया तो तुम जानते नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा।
अरे ये क्या, ये दोनों तो काफी ज्यादा डरपोक निकले। बाबा के दो चार हाथ पड़ते ही बाप बेटा दोनों गायब हो गए। इन लोगों को बाबा के हाथों पीटता देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं, अरे तुम लोग इतना ज्यादा खुश मत हो, मुझे तो तुम लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बुल्ली कहता है, लेकिन क्यों बाबा, आप हम लोगों पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? तभी बाबा बुल्ली से कहते हैं, बेशर्मी की भी हद होती है, एक तो बिना बताए तुम लोग फुंगी से मिलने उसके गाँव जा रहे हो और मुझे बताना तक तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझा। अगर तुम लोग मुझे पहले बताते तो मैं भी तुम लोगों के साथ उससे मिलने के लिए चला जाता। वो तो अच्छा हुआ कि आलोक ने मुझे सारा कुछ बता दिया। तभी गुल्ली कहते हैं, अरे नहीं नहीं बाबा, आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं गलत कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, तुम लोग ऐसे ही हो, हमेशा तुम लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हो, कहीं भी घूमने के लिए अकेले अकेले चले जाते हो और जब किसी मुसीबत में पड़ते हो तो मुझे आकर तुम लोगों को बचाना पड़ता है। अगर ये बात मुझे आलोक से पता नहीं चलता कि तुम लोग पुंगी से मिलने जा रहे हो तो पता नहीं आज तुम लोगों का क्या होता। तभी गुल्ली कहता, अरे बाबा आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं, हम लोग आपके घर गए थे लेकिन आपके घर पे ताला लगा हुआ था। हाँ बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग आपको लेने के लिए आपके घर पे गए थे लेकिन आप घर पे नहीं थे, इसलिए हम तीनों ही पुंगी चाचा से मिलने के लिए जाने लगे। सोन की ये बातें सुनते ही बाबा कहते हैं, तब ठीक है। सोन कह रहा है, इसलिए मैं तुम दोनों के बातों पे विश्वास कर रहा हूँ, चलो अब जल्दी से पुंगी से मिलने के लिए चलते हैं, पुंगी हम लोगों को अचानक से देखकर काफी ज्यादा खुश होगा। ये कहकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा पुंगी चाचा से मिलने के लिए उनके गाँव चले जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।